अस्सलाम वालेकुम, खबर की दुनिया से मैं हूं सैयद आयशा नाज। यहां वक्त हुआ है दुनिया हेडलाइंस का। वार्डन के साथ झगड़े में कसूरवार उमर अकमल हैं, धमकियां भी दी। लाहौर पुलिस ने क्रिकेटर के मुकदमे का चालान अदालत को भिजवा दिया। कश्मीरी आवाम और तारीखी जद्दोजहद को सलाम। शहदा की याद में आज यौमे कश्मीर के मौके पर दुनिया भर में तकरीबात। मुजफ्फराबाद समेत पाकिस्तान के कई शहरों में तकरीबात, हाथों से जंजीर भी बनाई गई। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही खत्ते में अमन की जमानत है, कश्मीरियों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे, कंट्रोल लाइन खोलना चाहते हैं। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के रहनुमा हाफिज सईद कहते हैं कश्मीरी भाइयों की मदद करते रहेंगे, भारत अमन की जुबान नहीं समझता, सबको मिलकर आवाज उठाना होगी। पेशावर खुदकुश हमले में मुलविस बमबार की तस्वीर दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली, उम्र 18 से 20 साल के दरमियान थी। रावलपिंडी में हसास इदारे की कार्रवाई, एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाले दो मशकूक अफराद गिरफ्तार। फ्रंटियर कॉलोनी कराची में रेंजर्स का ऑपरेशन, कलदम तंजीम के कारिंदों समेत 9 मुलजिम गिरफ्तार। गुलजार हिजरी के फ्लैट से मिलने वाली खातून और मर्द की लाश मुअम्मा बन गई। कराची में धमाके से तबाह होने वाली नाइट कोच की बोगियों को ट्रैक से हटाने का काम जारी, ट्रैक की मुकम्मल बहाली में कई घंटे लगेंगे। बीसीसीआई के सरबराह श्रीनिवास सिंह का कहना है कि बिग थ्री फार्मूले से आलमी क्रिकेट में जायज मकाम मिलेगा, लेकिन माली फायदा सबको होगा। और भारत में गाड़ियों की सालाना नुमाइश, नए मॉडल्स लोगों की तवज्जो का मरकज।